दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरु जी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे SQL इंटरव्यू को आप क्रैक कैसे करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल या मैसेज आता है कि आप कुछ सर टॉपिक बताएं, कहाँ पे पढ़ना है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। तो आप कोई भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो SQL डेवलपर हो, डेटा एनालिटिक्स हो या डेटा साइंस हो, या कहीं से भी आप SQL का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम को जब क्रैक करते हैं तो बेसिकली आपको मेन फोकस होता है कि आप किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दें, जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि इंडिया का सबसे जो टॉप मोस्ट बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम होता है, जो होता है IAS, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं बस। उसमें आप देखते होंगे कि ऑन एवरेज जो लाखों स्टूडेंट उसमें भाग लेते हैं, जैसे कि 8 लाख, 10 लाख जो भी नंबर होते हैं, बट ऑन एवरेज 700 to 800 उसको क्वालिफाई करते हैं। द रीज़न क्या होता है कि उसमें कुछ एडिशनल क्राइटेरिया होता है, एडिशनल एक्टिविटी होता है, कुछ एडिशनल नॉलेज होता है जो इंटरव्यू को या एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। वैसे ही हम लोग बात करते हैं SQL का, तो यदि आप SQL का इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं तो आपको बेसिकली 5 to 6 टॉपिक जो अभी हम बताएंगे वो आप 5 टॉपिक कवर करते हैं तो उसमें आपको 70 to 80% जो क्वेश्चन आएगा आपको यही 5 टॉपिक से ही आएगा। तो यदि आप ये 5 टॉपिक को 100% मोर देन 100% भी 120% इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको इसमें नॉलेज हो जाता है, तो आप डेफिनेटली कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक बेसिकली में आप इसको बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये 5 टॉपिक में आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ये 5 टॉपिक में आपको कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो, और आप SQL को सीखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी वीडियो एंड क्वेश्चन सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप यहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। यहां पे मैं ऑलरेडी इंटरव्यू का और प्लेलिस्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट है इंटरव्यू का और सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूँ प्रिपरेशन के लिए, जो देख सकते हैं कंप्लीट SQL एंड डेटाबेस ट्यूटोरियल बिगिनर टू एडवांस है। यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए है। आप हमसे 1-to-1 भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो आप pandegruji.graphy.com पे जाके आप यहाँ पे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जो कि अभी 30% इनरोल चल रहा है। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली वो 5 टॉपिक क्या क्या है जिसको ज़्यादा वेटेज होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप वीडियो को, यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ये आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली जब भी हम लोग SQL का बात करते हैं हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा सीखने के लिए। तो मैं इरेजर सेलेक्ट करता हूँ। तो लार्ज इरेजर लेता हूँ। तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई भी कठिनाई है तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। आपके इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आप वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वो टॉपिक क्या है। तो बेसिकली वो जो टॉपिक होता है जो जिसमें आपको ज़्यादा वेटेज देना है वो टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ तो आपको अच्छा दिखे। तो आप यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने परसेंटेज की क्वेश्चन पूछे जाती है, तो मैं इसको थोड़ी मैक्सिमाइज करके आपको अच्छा दिखेगा। तो ये सारे टॉपिक है, जो सबसे पहला है वो आपको स्टोर प्रोसीजर होता है।
तो बेसिकली जो स्टोर प्रोसीजर होता है ये सीक्वल का आप बोल सकते हैं कि बैकबोन होता है। तो स्टोर प्रोसीजर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्टोर प्रोसीजर से आप बात करेंगे तो कोई भी इंटरव्यू में डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये अराउंड 30% क्वेश्चन स्टोर प्रोसीजर से पूछा जाता है। तो स्टोर प्रोसीजर से मैं आपको स्टोर प्रोसीजर का क्रिएट कैसे करते हैं, स्टोर प्रोसीजर का आप इनपुट आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, आपको एक स्टोर प्रोसीजर को दूसरे स्टोर प्रोसीजर में कैसे कॉल करते हैं, आप स्टोर प्रोसीजर को प्री वैलिडेट कैसे करते हैं। सो प्री वैलिडेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल के इंटरव्यू क्वेश्चन है। लाइक सपोज कोई भी एम्प्लॉयडी इंटर किया है यूजर ने, जैसे कि एम्प्लॉयडी 1 है 2 है 3 है 4 है टेबल में, बट ए 4 के अलावा कोई एम्प्लॉयडी नहीं है, बट यूजर ने क्या किया 10 इनपुट इंटर कर दिया स्टोर प्रोसीजर में कॉल, तो क्या होगा 10 एम्प्लॉयडी नहीं रहेगा तो ये आउटपुट में ब्लैंक आएगा। तो उसके लिए आपको प्री वैलिडेट करना है कि ये स्टोर प्रोसीजर ये वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट नहीं है। नल वैल्यू एक्सेप्शनल, जो हम लोग नल वैल्यू पे कैसे वर्क करते हैं, नल वैल्यू को हैंडल कैसे करते हैं, और बेसिकली आप कोई भी डेटा को लोड कैसे कर सकते हैं, प्री वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ आपको एडवांस लेवल पे आपको पूछा जाएगा। बट यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको डिफरेंस बिटवीन द स्टोर प्रोसीजर एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, आपको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू आप परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर का परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, स्टोर प्रोसीजर ऑलवेज एस्टिमेटेड प्लान को यूज करता है तो कैसे यूज करता है, कैसे आप इसको डिबग करेंगे, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टोर प्रोसीजर में। तो बेसिकली एक बोल सकते हैं कि स्टोर प्रोसीजर एक बैकबोन है जो काफ़ी मेजर प्ले रोल करेगा आपको भी इंटरव्यू को करेक्ट करने के लिए। तो आप इसको टॉप मोस्ट में आप स्टोर प्रोसीजर को रख सकते हैं। आप इसको हमेशा जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो स्टोर प्रोसीजर को हमेशा आगे रखें। उसके बाद जो होता है वो होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या होता है कि आप स्टोर प्रोसीजर का छोटा भाई बोल सकते हैं कि ये जब भी स्मॉल रिक्वायरमेंट होती है तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली रीजन क्या होता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग DML ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट, बट कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है तो वहाँ पे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपको HRA फाइंड आउट करना है तो HRA आपको स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करके यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। आपको स्मॉल रिक्वायरमेंट है जैसे डेटा को स्प्लिट करना, लाइक फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया 1, 2, 3, 4 एंड 5, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आपको आउटपुट में दिखाना है 1, 2, 3, 4, 5 लाइक हर एक रो में दिखाना है। तो ये वैल्यू को स्प्लिट कैसे करेंगे, तो ये स्मॉल जिस टाइप का रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हम लोग बात करेंगे तो आपको परसेंटेज के 15-20% आपको यहाँ पे कवर करेगा, तो आपको 30-50% आप 45% ये दो टॉपिक से आपको आएगा, मतलब आप इसको स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन में अच्छा पकड़ है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर फंक्शन ही क्या पार्ट हो जाता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का। ओके, तो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब भी आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में बात करेंगे तो इसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड होता है, स्टोर प्रोसीजर फंक्शन जितने भी सब क्वायरी, आप कोई भी कोड को रन फास्टर कैसे करेंगे, इसीलिए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यूजर काफ़ी एक्टिव होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ज्वाइन एंड कंस्ट्रेंट। ओके, तो ज्वाइन एक बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ज्वाइन के थ्रू ही आप कोई भी डेटा को कोई भी टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास 10 टेबल है, आपके पास 10 टेबल है और 10 टेबल से लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 10 टेबल है और डेटा को रिट्रीव करना है, तो सारे टेबल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन यूज करना पड़ेगा।
आप जो भी कंडीशन है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन चाहिए और उसका डिपार्टमेंट का चाहिए, तो आपको एम्प्लॉय को टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्वाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और सब क्वायरी में भी कभी कभी हम लोग रिक्वायरमेंट को अचीव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली डेटा वैलिडेशन के लिए यूज होता है, जो किसी भी डेटा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये सारे चीज़ पांच टॉपिक से आपको मैक्सिमम 15% आप ले सकते हैं कि आपको 15% आपको हुआ ज्वाइन से और कंस्ट्रेंट से हुआ 15%। तो ओके, टोटल 75-80% हो गया। तो जो सबसे पहला मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मैं सबसे जो पहला हुआ, दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, फाइव टॉपिक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक से जो आएगा वो आपको मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो बेसिकली 30% यहाँ पे आ रहा है। और टू से कितने परसेंट आ रहा है, लगभग मैं यहाँ पे बात किया था 15-20%। सपोज आप 15% पकड़िए, थर्ड टॉपिक से भी आप इक्वली ले सकते हैं 15%। ओके, ये सारे 15%, ओके 15%, ये भी 15%। परसेंटेज ऊपर नीचे कम बेसी हो सकता है। तो 90% हो गया, बट इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यूज में 10% एक क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कभी कभी 20% पूछेगा। तो बेसिकली ये मेजर पार्ट है। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी टाइम मिलता है तो आप जो टॉपिक में आप कर सकते हैं, तो वो है आपको बेसिकली आप बिल्ट इन फंक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जो जैसे कि हो गया डेट टाइम फंक्शन, हो गया सब स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में कौन कौन से और टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो डेट टाइम हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, केयर इंडेक्स हो गया, ये सारे चीज़ बेसिकली जब भी आप स्टोर प्रोसीजर को आप पढ़ेंगे तो ये सारे चीज़ बिल्ट इन फंक्शन उसके अंदर आ जाएगा। इसीलिए मैं उसको अलग से डिस्कस नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे 30% यहाँ पे इंक्लूडेड हो गया। क्योंकि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, बैकबोन होता है। तो ये सारे टॉपिक को आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आप 100% कोई भी इंटरव्यू को आप क्या करेंगे, 100% इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको मेन ज़्यादातर फोकस ये पांच टॉपिक पे करना है। उसके बाद 20-30% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, तो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट प्रैक्टिस आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंटरव्यूअर में आपको रियल टाइम का क्वेश्चन देगा, वो आपको रियल टाइम का क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे। तो होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। उसके बाद भी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कोई टॉपिक पे आपको सजेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।